नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं विनोद स्टेनलेस स्टील टू टायर स्टीमर की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रही हूँ। तो चलिए अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस स्टीमर के मुख्य फीचर्स हैं कि हम इससे बहुत सारे काम कर सकते हैं। यह स्टेनलेस स्टील से बना है और इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। यह स्टीमर बहुत ही हैंडी है, जिससे हम तरह तरह के व्यंजन बना सकते हैं। ये जो स्टीमर मैंने परचेज किया है, इसका डायमीटर 18 सेंटीमीटर है। ये टू टायर स्टीमर है, जिसकी लिड ग्लास से बनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये स्टीमर इंडक्शन फ्रेंडली है, इसलिए आप इसे इंडक्शन पे भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इसे आप किसी भी तरह के स्टोव पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि गैस, इंडक्शन, इलेक्ट्रिक स्टोव और सेरामिक स्टोव। आइए अब इसके बॉक्स को खोलते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग काफ़ी अच्छे से की गई है। ये प्रोडक्ट के साथ दिया गया 24 महीने का वारंटी कार्ड है। कंपनी का दावा है कि ये टू टायर स्टीमर प्योरली स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है। इसके कारण ये स्टीमर काफी टिकाऊ रहेगा और लंबे समय तक चलेगा। स्टीमर का डिज़ाइन बहुत ही सिंपल है, इसलिए आपको इसको साफ करने में कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। कंपनी के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार इसे हर बार यूज़ करने के बाद ज़रूर धोना चाहिए। दोस्तों, इस स्टीमर का बेस इनकैप्सुलेटेड है, जिससे हीट पूरे बेस में समान रूप से बटा रहता है। इससे कुकिंग तो जल्दी होती ही है, साथ ही साथ गैस की भी बचत होती है। इस स्टीमर का लिड ग्लास से बना है, जिसमें स्टीम रिलीज होने के लिए एक छोटा होल भी है। स्टीमर का बॉटम थिक एल्युमिनियम से बना है, जिससे पूरे बेस में समान तापमान रहता है और खाना भी नहीं जलता। इस जगह पर इस स्टीमर के सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स मेंशन्ड हैं। दोस्तों, यह स्टीमर मोमो, खांडवी, मोदक और आपकी पसंदीदा स्टीम्ड वेजिटेबल डिशेस को बनाने के लिए परफेक्ट है। इस स्टीमर का वेट 1.3 किलोग्राम बताया गया है। देखने में और फील में यह प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा और स्टर्डी लगता है। दोस्तों, इस स्टीमर के कई और भी साइजेस अवेलेबल हैं। यह 18 सेंटीमीटर वाला स्टीमर छोटे परिवारों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, मगर अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप इसका बड़ा साइज भी ले सकते हैं। दोस्तों, यह प्रोडक्ट तो काफ़ी अच्छा है, मगर मैं इसका डिटेल्ड रिव्यू इसको यूज़ करने के बाद ही कर पाऊंगी।